दोस्तों आज मैं इस वीडियो में सिखाऊंगा आपको बिना आरटीओ जाए अपने घर पर ही बैठ के अपने स्मार्टफोन से आप लोग अपनी गाड़ी के साथ में अपना मोबाइल नंबर कैसे अपडेट कर सकते हैं। गाड़ी दोस्तों चाहे आप फोर व्हीलर चला रहे हो या फिर आपके पास में टू व्हीलर हो या फिर थ्री व्हीलर या फिर फोर व्हीलर है, अगर आपके पास में कोई सा भी व्हीकल है तो उससे आप लोग अपना मोबाइल नंबर जोड़ सकते हैं। इसका फायदा ये होगा दोस्तों कि आपकी गाड़ी की जितनी भी डिटेल होंगी वो आपके मोबाइल पे आ जाया करेंगी। अगर आपकी गाड़ी का चालान कटता है या फिर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है या फिर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस डेट ओवर हो जाती है, रिन्यू के लिए बोला जाता है, तो आप लोग को बार बार आरटीओ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको अपना मोबाइल ओपन करना है और आपको आपकी सारी डिटेल मिल जाएंगी। एसएमएस के थ्रू भी आ सकती हैं दोस्तों और मेल के थ्रू भी आ सकती हैं, लेकिन दोस्तों इस साइट पर मुझे अभी मेल की फैसिलिटी कोई नहीं मिली है, तो जितनी भी डिटेल आपकी आ जाएंगी वो आ जाएंगी आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज के थ्रू। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि आप लोग कैसे अपनी गाड़ी के साथ में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्रोम में आना है और सर्च करना है यूपी परिवहन। अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तब भी आप ये सर्च कर सकते हैं, क्योंकि आपको आगे जाके स्टेट चूज़ करना पड़ेगा। तो जो सबसे पहले साइट आएगी आपको उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप इस पेज पे आ जाएंगे, व्हीकल रजिस्ट्रेशन रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज पे आ जाएंगे। अगर आप दिल्ली या फिर सिक्किम स्टेट से हैं तो आपके लिए ऊपर वाला ऑप्शन है, या फिर इन दोनों स्टेट के अलावा आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप अदर स्टेट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी गाड़ी का नंबर डालना होगा और प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मोबाइल नंबर अपडेट। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज पे पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों अपनी गाड़ी के साथ में अपना मोबाइल नंबर क्यों जोड़ना फायदे में है, तो दोस्तों इस वजह से अगर आपकी आरसी चोरी हो जाती है, फिर आपकी गाड़ी के पेपर चोरी हो जाते हैं या फिर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, तो उसमें दोस्तों आपसे चेसिस नंबर और इंजन नंबर मांगा जाता है, वो भी आपको याद रहेगा और आप तुरंत बता सकते हैं। इतना ही नहीं, बाकी की डिटेल भी आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएंगी। तो चेसिस नंबर दोस्तों आपके स्कूटी या फिर बाइक या फिर कार के राइट हैंड साइड पे जहाँ पे फुटरेस्ट होता है उसके नीचे एक प्लेट लगी होगी वहां पर होगा, और इंजन नंबर आपके दोस्तों इंजन पे लिखा होगा। तो चेसिस नंबर डालने के बाद में आपको इंजन नंबर डालना है और शो डिटेल पे क्लिक कर देना है। शो डिटेल पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर आपको देना होगा, उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी डालना होगा और जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो जुड़ जाएगा आपके व्हीकल से। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये सब करने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। हाँ, अगर आपको टाइम लगेगा तो चेसिस नंबर और इंजन नंबर ढूंढने में लगेगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो कि हम लोग कैसे अपनी गाड़ी के साथ में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Thank you.